यूपी के संत कबीर नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के झीनखाल बंजरिया इलाके में अचानक से धान के खेत में दो जगुआर फाइटर के फ्यूल टैंक गिरे। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। कोई बोला मिसाइल गिरी, कोई बोला विमान गिरा। किसी को समझ नहीं आया आखिर है क्या। पुलिस को सूचना देने के बाद पूरी जानकारी मिली कि ये एयरफोर्स के फ्यूल टैंक है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। जैसे ही खेत में फ्यूल टैंक गिरे, पूरे इलाके में खबर आग की तरह फैल गई। हर कोई सन्न रह गया। बाद में पुलिस के पहुंचने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। देखते ही देखते ही इलाके में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। हर कोई इन्हें देखने के लिए बेताब होने लगा। दोपहर करीब 2 बजे थे जब कुछ लोग अपने खेतों में पानी लगा रहे थे, तभी भारी भरकम चीजें बगल के खेतों में गिरी, जिसे देख खेत में काम करने वाले डर के मारे सीधे गांव की तरफ भागे। जब जानकारी पुलिस को दी गई तब पूरा मामला सामने आया। बाद में पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। बाद में पुलिस ने एयरफोर्स से संपर्क साधा और शाम को एयरफोर्स की टीम पहुंची और दोनों फ्यूल टैंक को अपने साथ ले गई। आपको बता दें कि ये घटना कोई देश में पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में 2 साल पहले ऐसे ही फ्यूल टैंक गिरा था। पर सवाल तो उठता ही है, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है। अगर कोई हादसा हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता। फिलहाल एयरफोर्स मामले की जांच में जुट गई है कि किस विमान के फ्यूल टैंक गिरे हैं और इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।